अब भारत को महाविनाशक लड़ाकू विमान मिलने वाला है। इसकी ताकत देखकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। इस महाशक्तिशाली बॉम्बर का नाम TU-160 है। यह एक बार में 12,000 किलोमीटर की दूरी तक बम की बारिश करता रहता है। रूस ने एक बार फिर से दोस्त भारत को अपना भारी बम वर्षक विमान TU-22M3 और TU-160 White M-1 देने की पेशकश की है। डिफेंस मीडिया आउटडोर IDRW ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। रूस में डिजाइन किए गए TU-22M3 को 2 दशक पहले भारतीय नौसेना को ऑफर किया गया था। महंगी कीमत और आधुनिकीकरण पर आने वाले खर्च के चलते डील फाइनल नहीं हो पाई थी। अब रूस एक बार फिर TU-160M भारत को देना चाहता है। इससे भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। बता दें कि TU-160M TU-160 White-1 का अपग्रेडेड वर्जन है। TU-160M की खासियत यह है कि इसका उत्पादन अभी भी जारी है। 2018 में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूसी वायुसेना ने इसकी 10 यूनिट का ऑर्डर दिया था, जिसे 2027 तक डिलीवर किया जाना है। इसके अपग्रेडेड मॉडल में व्यापक एवियानिक्स और नेविगेशन खूबियों को जोड़ा गया है। विमान को बनाने वाली रूसी कंपनी टुलोबेव का दावा है कि TU-160M का नया अपग्रेड पिछले मॉडल की तुलना में 60% ज्यादा प्रभावी है। IDRW ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक TU-160M की संभावित कीमत $16.5 करोड़ यानी करीब 13 अरब रुपए है। यह एक साथ 1200 किलोमीटर की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल या फिर छोटी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। ये बम बरसक बिना दोबारा ईंधन भरे जाने के बाद फिर 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ऐसे में भारत के बेड़े में इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना को हिंद प्रशांत और उसके आगे तक शक्तिशाली प्रतिरोध और हमले करने की क्षमता हासिल होगी। भारतीय वायुसेना पारंपरिक रूस से भारी बम बरसक के बजाय मल्टी रोल फाइटर जेट पर फोकस करती रही है। इसके बेड़े में वर्तमान में एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। TU-160M को हासिल करने से भारत की दीर्घकालिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। वहीं भारत के लिए इसकी भारी अधिग्रहण और परिचालन लागत ऐसा विषय है जो महत्वपूर्ण हो सकता है। भारी बम बरसकों के बेड़े के रखरखाव के लिए बड़े ढांचे और ठोस निवेश की भी जरूरत होगी। दूसरी ओर पायलटों के विशेष प्रशिक्षण के साथ ही इन बम बरसकों को रखने के लिए भारतीय वायुसेना को विशेष अड्डों को तैयार करना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाह। नमस्कार।